जी सर, जब कोविड अनाउंस किया तो मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड का अनाउंसमेंट हुआ तो मैं मुंबई में था, तो कोरोना का इतना डर हो गया था इसका कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर लगा कि एक हफ्ते 10 दिन बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, कोविड वोविड क्या है, इट्स अ नॉर्मल फीवर, तो 10 दिन बाद ठीक होगा। 10 दिन बीत गए, फिर उन्होंने कहा कि 20 दिन का लॉकडाउन है। पहले तो 4 महीने हमने शूटिंग भी नहीं की, पूरा घर पे थे, घर पे रह के करें तो करें क्या मतलब। इट वॉज अ रिचुअल कि हम छुट्टियों में ये प्लान बनाएंगे, वो प्लान बनाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो जगह नहीं देखी, ये नहीं देखा, तो वो रिचुअल अचानक मतलब खत्म, कहीं जाना नहीं है। ऑब्वियसली हमने बहुत सारा वक्त फैमिली के साथ बिताया, एज इन यू नो माय वाइफ एंड द टू किड्स, तो हम इतने सारे बोर्ड गेम्स खेले हैं। मेरे किड्स को पता चला कि मैं ही उनका बाप हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शूटिंग करता रहता हूँ। मैं जब भी घर पे जाता हूँ तो वो लोग दोनों सो जाते हैं, दे आर जस्ट 3 years old। कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे जो मिमिक्री करता था, तो मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर के वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मैं और मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर जो थी वो शूट करती थी पूरा। तो हमने एक चार्ली चैपलिन का वीडियो बनाया था, बड़ा हिट हुआ चार्ली चैपलिन का। कपिल भाई ने भी उसको अपने इंस्टा पे शेयर किया और उसको मतलब 15 लाख उसको व्यूज मिले, तो बहुत हिट रहा वो इंडस्ट्री, काफ़ी लोगों ने देखा। What has changed is the fact that I never knew how much I loved my boxing classes. मेरे घर के नीचे एक और फ्लैट है मेरा, तो उसमें मैंने जिम बना दिया। मैंने 14 किलोज जो है 13-14 किलोज लूज किया है पहले से। मैं थोड़ा सा और बेटर लग रहा हूँ मेरे हिसाब से, नहीं लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं। और फिल्म्स जो देखी हैं, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे तो बच्चों के साथ तो हमने बहुत सारी फिल्में देखी। फिर मैंने इतनी ज़्यादा मतलब आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे मैंने फिल्म्स देखना शुरू किया। एक हद तक के मुझे याद है कि कहीं हिंदी और इंग्लिश फिल्म्स तो ऐसे जैसे खत्म सी हो रही थी कि ये वाली भी देख ली, कोई भी कुछ सजेस्ट करता था हाँ वो भी देख ली, वो भी देख ली। फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई कुछ फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश कोई और फिल्में बताओ यार जो अच्छी हैं। और मैंने बहुत सारे कपड़े सीए हैं, स्टिचिंग की है मैंने, मैंने यूट्यूब में देख देख के मैंने कई सारे जैकेट्स बनाए हैं। मैं एक दिन पहन कर आऊँगा स्टेज के ऊपर। मैंने शर्ट्स को स्टिच किया है, मुझे डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक है। मुझे अगर आप कोई प्लेन टी शर्ट देते हैं तो मैं उसको ऐसा बना दूंगा कि जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा। तो मैं उस स्टिचिंग काफ़ी की मैंने। आई नीड अ नोबेल प्राइज फॉर पेशेंस, या द पेशेंस दैट आई हैव इन मी, दैट्स लाइक वो आई नेवर न्यू आई हैड इट। आई लव कुकिंग, मैंगलोरियन फूड बनाना सीखा, साउथ इंडियन चिकन बनाना सीखा। आई एम नॉट द कुकिंग पर्सन एट ऑल, आई नेवर न्यू हाउ टू कुक, आई ट्राइड माई हैंड्स एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई लिव विद फैमिली एंड यू नो सो आई हैव दैट पार्ट टेकन केयर ऑफ। मैं कुकिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुकिंग अवॉइड करके खाने वाला जो हिस्सा है वो मैनेज कर रहा था। आई यूज्ड टू ईट, सो वो भी ज़रूरी है कि वाइफ के हाथ से अगर कुछ बना है तो आप उसको कम नहीं खा सकते, आपको उसको पूरा खाना पड़ता है। और ये एक इस कोरोना ने एक ये बड़ी अच्छी हैबिट दी है कि घर जाके नहाना ज़रूर है, तो ये बड़ा मज़ा आता है मुझे। और आई थिंक हर कोई हाइजीन हो गया, हर कोई साफ़ सुथरा हो गया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कोरोना से हमें शायद कुछ नया भी सीखने को मिला है। You know those awkward side hugs that one had to do at workplaces and other places, which you don't really want to do. So now hug is like a little bit of a weapon. So it's good. No more formalities. So that's nice. मुझे जो समझ में आया और जो लोगों ने सजेस्ट किया कि इस वक्त में ये कर सकते हैं, इस वक्त में वो कर सकते हैं, the only thing that you know try to keep sane was not let this because obviously you know you're stuck at home and I also tried to help as many people as in other people who are around me, who are working for me. How much ever I could support them, I supported them. Because this is a time, it's a difficult time. हम तो फिर भी चलो मतलब एक जिस तरीके से रह रहे हैं उसमें कुछ महीने का काफ़ी वक्त तक बिना काम किए रह सकते हैं, but there are people who you know kind of you know monthly earning is what they spend. तो उन लोगों की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने भी अपने दोस्तों से बात करके एक ग्रुप सा बनाया जिसमें वी ट्राइड टू सपोर्ट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल हु आर क्लोज टू अस स्पेशली एंड ऑब्वियसली पीपल हु आर नॉट सो क्लोज टू अस, बट वी हियर स्टोरीज अबाउट दिस वन नीड्स व्हाट, दैट वन नीड्स व्हाट, एंड वी ट्राइड टू फुलफिल दैट। तो किया हम जितना कर सकते थे और बाकी तो या जस्ट स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड आई थिंक वी आर अ लिटिल मोर क्लोज नेट बॉन्ड फैमिली नाउ बिकॉज इतना सारा वक्त हमें मजबूरन साथ में बिताना पड़ा, लेकिन हाँ इट्स गुड फॉर द फ्यूचर आई गेस। खुश तो रहना ही एंड ऑफ द डे, बीमारी है, वायरस है, सब कुछ है, अगर उसमें थक के हार के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे।
और सिर्फ बैठ के हर एक घंटा इंतज़ार किया कि कब कपिल शर्मा शो शुरू होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.